हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के वीडियो में आप लोगों को खिल्ली के लड्डू बनाना बताऊंगी, जिसके लिए देखिए लेते हैं क्या क्या लेना है हमें। सबसे पहले हमें ले लेनी है खिल्ली, तो ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कम ज़्यादा कितनी आपको लेनी है। यहाँ पर मेरे पास पाव या फिर उससे कम ही है, क्योंकि ये ज़्यादा ही चढ़ती है। तो उसके बाद हमें ले लेना है गुड़। तो खिल्ली और गुड़ का हमें मिक्सअप इस तरीके से करना है कि जितना हमने गुड़ लिया है, खिल्ली उतनी ही लेनी है कि उसके अंदर मिक्स हो जाए और वो अच्छे से लड्डू के शेप में आ पाए। तो वो आप देख के अपने हिसाब से कर लीजिएगा। मैंने जितना लिया है वो मेरा थोड़ा ही था, तो मैंने मेरे पास अभी फ़िलहाल थोड़ा गुड़ था, तो मैंने हाफ ही इसमें से डाली थी। तो ये देखिए, सबसे पहले हमें गुड़ को अच्छे से फोड़ लेना है किसी चीज़ की सहायता से। उसके बाद हमें उसको गैस पे रख देना है और फिर इसको अच्छे से पिघला लेना है। गैस पे रखते हुए अच्छे से देख सकते हैं आप, इस तरीके से हमें इसको पिघला लेना है और चमचा चलाते हुए करना है, वरना तो फिर ये इसमें लग जाएगा कढ़ाई में। और चलाते हुए आप करेंगे तो आसानी से हो जाएगा ये। और जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि आगे जो भी मैं वीडियो डालूं वो आप लोगों को मिलती रहे। और ये वीडियो एक्चुअली मैं दीपावली के बाद ही मैंने शूट कर लिया था, बट डाल अब पाई, क्योंकि पहले मैं नहीं डाल पाई थी, तो आज डाल रही हूँ इसको। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से आपको इसको कर लेना है अच्छे से। और ये लड्डू काफ़ी अच्छे लगते हैं, मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं और बच्चे तो बहुत ही खुश होकर खाते हैं। तो केवल दो ही चीज़ों से बनाने हैं, और बना के आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। देख सकते हैं आप, गुड़ जो हमारा है वो बिल्कुल मिक्स हो चुका है और ये काफ़ी अच्छी शेप में आ चुका है, घोल टाइप बन गया है ये। और इसके अंदर आपको एक भी गुठली टाइप नहीं रहने देनी है गुड़ की। अच्छे से इसको इस तरीके से चमचे से करते जाना है। गैस का फ्लेम आप मीडियम रख के करेंगे तो ज़्यादा इजी से हो पाएगा, और इस तरीके से हमें कर लेना है। तो ये देख सकते हैं, इसके बाद हमें इसके अंदर ये खिल्ली डाल देनी है। खिल्ली डालते डालते हमें इसको चलाते रहना है। तो इतनी खिल्ली आप इसमें डाल लें, आपका जितना गुड़ है, कि वो अच्छे से खिल्ली के अंदर मिक्स हो पाए। उसके बाद आपको मिला लेना है अच्छे से, और ये बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाता है और बड़े टेस्टी लड्डू बनते हैं। तो ये देखिए आप, दो ही चीज़ों से हमने कितने स्वादिष्ट और टेस्टी लड्डू हमारे बनकर रेडी हो जाएंगे। तो आशा है आप लोगों को मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा मुझे कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो। तो ये देखिए, इसको आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है, गुड़ और जो ये खिल्ली है ना, इनको आपस में मिक्स कर लेना है, ताकि अच्छे से गुड़ जो है हमारे, जब लड्डू हम खाएं तो अच्छे से हमारे टेस्ट में आए। तो ये देखिए, इसके बाद आपको गैस ऑन ऑफ कर देनी है, सॉरी, और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और थोड़ा सा ठंडा करते, ज़्यादा ठंडा नहीं, थोड़ा सा ठंडा कर देना है। और उसके बाद आपको इसको, इसके जो लड्डू हैं वो बना लेने हैं लड्डू की शेप में, गोल शेप या फिर जो भी आपसे हो पाए पॉसिबल आप वो शेप दे लें। आगे मैं आपको दिखाती हूँ कैसे हमने इसके जो लड्डू हैं वो रेडी किए हैं। तो थोड़ा सा ठंडा कर लेना है इसको, उसके बाद आप इसका, और ये देखिए, इस तरीके से आपको लेना है। और हाथों में थोड़ा थोड़ा घी लगा लेंगे तो आसानी से ये जो गुड़ है वो चिपकेगा नहीं, और ये थोड़ी गर्म है तो इसलिए इस तरीके से बाकी चिपकेंगे नहीं ये। तो हल्का सा आप अपने हाथ पे घी लगा लीजिएगा, और आप कोई भी शेप दे सकते हैं अपने हिसाब से। मैं यहाँ पे गोल शेप दे रही हूँ, और ये जो लड्डू है बनकर काफ़ी अच्छे रेडी होते हैं, तो आप ही ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये देखिए, इस तरीके से हमें इनको बना लेना है जैसा मैं बना रही हूँ। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिएगा। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें बना लेना है, और आप भी इसी तरीके से अपने घर में बना सकते हैं। और ये एक्चुअली में मार्केट में मिलते थे ना, पहले मिलते थे, अभी तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ पहले मिलते थे, दो का एक देते थे या फिर एक का एक देते थे, अभी तो शायद पांच का एक भी देते हैं। तो काफ़ी टेस्टी लगते हैं ये खाने में और बहुत स्वादिष्ट होते हैं। मैं तो स्टोर करके आप इनको डब्बे में रख सकते हैं, और बच्चे को जब भी खाना हो आप उनको दे सकते हैं, काफ़ी पसंद आने वाले हैं उनको ये लड्डू, और बड़ों को भी काफ़ी पसंद आने वाले हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से आप कोई भी शेप दे लें, और ज़्यादा ठंडा मत करिएगा, अदरवाइज फिर ये चिपकने लगेगा और ये टाइट हो जाएगा, गुड़ जो है हमारा वो बैठ जाता है तो टाइट हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इनको बना लें, शेप देना अगर आपके लिए पॉसिबल ना हो तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं, बट लड्डू बना के रख लेते तो अच्छे लगते हैं, और जब भी हमारा मन करे हम खा सकते हैं। तो ये देखिए, इसी तरीके से मैं सारे बनाकर रेडी कर लूँगी। जितने के लेते मेरे हैं बने हमारे, हैं कितने लड्डू तो बनकर आप रेडी हो गए भी बनाइए। हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से मेरे लड्डू बन गए हैं।
और सारे को मैं इसी तरीके से सेव दे दूंगी और मेरे सारे लड्डू रेडी हो जाएंगे। इसके बाद मैं डब्बे में स्टोर करके रख दूंगी। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कब मेहनत में भी बने हैं और इतना कुछ लगा भी नहीं और दो ही चीज़ों से हमने बनाए हैं। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरीके के मेरे लड्डू रेडी हुए हैं और राउंड शेप के हैं ये, और देखने से ही कितने अच्छे लग रहे हैं ना, आप लोग देख ही सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो सपोर्ट ज़रूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, आप सभी लोग खुश रहें, और जो भी न्यू हो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।